हेलो एवरीवन, दिस इज़ माय चैनल माय हंगर प्लेट्स। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ रॉ पीनट्स से होममेड पीनट बटर। मेरे पास ये कुछ रॉ पीनट्स हैं, अगर आपके पास, जिन्हें आप कच्ची मूंगफली भी कह सकते हैं, अगर आपके पास ऑलरेडी रोस्टेड पीनट्स हैं तो आप रॉ पीनट्स को रोस्ट करने का जो ये स्टेप है उसको स्किप कर सकते हैं और नेक्स्ट स्टेप से आप कैरी ऑन कर सकते हैं। अब चलिए हम बनाते हैं पीनट बटर। अब मैं इन रॉ पीनट्स को रोस्ट करूँगी कढ़ाई में। ओके, तो हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें इन पीनट्स को अराउंड 10 टू 15 मिनट्स लो फ्लेम पे रोस्ट करना है। आप जितना अच्छे से इसको रोस्ट करेंगे आपके पीनट बटर का टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा आएगा। तो हमारी मूंगफली अच्छे से भुन चुकी हैं, अब हम इसका स्किन हटा लेंगे। ये जो रेड रेड होता है इसके ऊपर, इसको थोड़ा सा मसलते हुए स्किन को हटा के हम इसको आगे प्रोसेस करेंगे। It's too easy, like this. देखिए स्किन हट जाए, आपको इसको इस तरीके से मलना है जिससे ये स्किन हट जाए। ओके, तो आप देख सकते हैं मैंने इन सबका छिलका ऑलमोस्ट निकाल लिया है। तो दो चार पीनट्स इसमें ऐसे भी पड़े हैं जो ज़्यादा भुन गए हैं, या फिर जिनका स्किन, जिनकी ये जो रेड कलर की स्किन होती है वो अभी नहीं निकली है या नहीं निकली है, तो इसमें कोई ऐसा इशू नहीं है। आपको जितना चाहे, अगर कुछ एक दो चीज़ें ऐसी हो जाती हैं तो इससे उसके टेस्ट में कोई इशू नहीं आता है। तो अब हम इस रोस्टेड पीनट को एक जार में भरेंगे मिक्सी को और चलाएंगे। मुझे ज़्यादा सारी पीनट्स का नहीं बनाना है, तो मैं कुछ पीनट्स बचा के रखूँगी। मैं इसको चला के, इसको एक बात ध्यान रखना, जब आप इसको ग्राइंड करोगे तो इसको चलाते हुए बंद करके फिर चलाना है, फिर बंद करना है। इस प्रोसेस से आपको इसको चलाना है, ग्राइंड करना है, तभी आप इसको बटर में चेंज कर पाएंगे। मैं अभी करके लेके आती हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी हमने बस इसका पाउडर किया, अभी हम इसको एक से दो बार अभी और मिक्सी में चलाएंगे रोक रोक के, जिससे बार बार स्टॉप करेंगे, फिर हम ऑन करेंगे, फिर स्टॉप करेंगे, फिर ऑन करेंगे, उस प्रोसेस से इसको बटर में चेंज करेंगे। अब आप देख सकते हैं इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पाउडर से थोड़ा सा थिक पेस्ट में चेंज हो गई है। इस स्टेज में हम इसमें थोड़ी सी चीनी मिक्स करेंगे। चीनी ऐड करना ऑप्शनल है, अगर आपको मीठा नहीं करना है या आप डायबिटिक हैं तो आप चीनी स्किप कर सकते हैं, वो आपके टेस्ट पर डिपेंड करेगा। तो मैंने इसमें अराउंड 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर दी है। अब मैं इसको दोबारा उसी प्रोसेस से एक से दो बार और चलाऊंगी और फिर उसका पीनट बटर बनाकर मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, पीनट बटर बनके रेडी है। इसमें हमने कुछ और ऐड नहीं किया है। अगर आप शुगर ऐड नहीं करना चाहते हैं तो आप इसमें ब्राउन शुगर या फिर हल्का सा गुड़ भी ऐड कर सकते हैं, उससे टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा गुड़ ऐड करने से, तो वो आप देख लीजिएगा अगर आपको ऐड करना है। अदरवाइज़ आप इसमें शुगर ऐड कीजिए, अदरवाइज़ आप इसमें कुछ भी ना ऐड करके आप ऐसे ही इसको अगर खाइएगा तो भी आपको टेस्टी लगेगा। अगर आपको ये थोड़ा और लिक्विडी फॉर्म में चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा देसी घी और ऐड कर सकते हैं, तो ये लिक्विडी फॉर्म में हो जाएगा। बट मुझे थोड़ा सा थिक पेस्ट चाहिए, थिक बटर चाहिए, इस वजह से मैं इसको इसी कंसिस्टेंसी में रखूँगी जो ये ईज़िली खाया जा सके।